नॉर्वेन सी के नीचे रॉक्सॉन सबमरीन तैर रही होती है, जिनसे उनके होम बेस कांटेक्ट करके पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग समुद्र की गहराई में जा रहे हो, तुम लोग जल्दी ही समुद्र की सतह पर पहुंच जाओगे, क्या तुम्हें नीचे कुछ दिख रहा है? जिसपे सबमरीन का क्रू कहता है कि हमें सिर्फ अंधेरा दिख रहा है और हमारे हिसाब से इन सब का कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों से कुछ गलती हुई है, यहाँ कोई रीडिंग शो नहीं हो रहे। जिसपे होम बेस के लोग मना करते हुए कहते हैं कि नीचे जरूर कुछ बड़ा हो रहा है, हमारे एनर्जी रीडिंग्स बहुत हाई आ रहे थे। तभी उस सबमरीन का एक पायलट अपने साथी से कहता है कि हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, आगे शायद कोई रिज है। जिसपे उसका को पायलट कहता है कि मेरे चार्ट में कोई रिज शो नहीं हो रहा। तभी पहला पायलट कहता है कि सारे इंजन रोक दो, आगे कुछ पहाड़ जैसा है। और अगले ही पल उन दोनों पायलट्स को एक बड़ा सा हाथ दिखता है और तभी उस सबमरीन का जीपीएस ऑफलाइन हो जाता है, जिसपे होम बेस पर सारे क्रू आपस में डिस्कशन में लग जाते हैं कि वहाँ सबमरीन में क्या हुआ होगा। जिसपे कुछ लोग बोलते हैं कि हमने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, क्या सबमरीन का कॉम नेटवर्क खराब हो गया है? पर तभी कुछ क्रू मेंबर शार्क अटैक एक्टिवेट कर देते हैं, ये बोलते हुए कि कुछ बहुत बड़ा हमारे पास आ रहा है और वो हमारे लोग नहीं है। तभी हमें वो बड़ा सा हाथ दोबारा दिखता है। वहीं होम बेस पर क्रू के लोग कह रहे होते हैं कि ये रीडिंग सही नहीं हो सकती, ऐसा लग रहा है कि हिमालय जमीन के अंदर से निकल रहा है, सब लोग शांत हो जाओ, ये कोई बड़ा सा स्क्विड होगा, शार्क इन्हें देख लेंगी। तभी एक क्रू मेंबर कहता है कि वो जो कोई भी है वो हमारे पास आ रहा है और टेम्परेचर गिरता जा रहा है, हाई अलर्ट एक्टिवेट करो और एक्वास्वॉट को डिप्लॉय करो। तभी उनमें से एक क्रू मेंबर नोटिस करता है कि सारी मछलियां वहां से दूर जा रही थीं। और तभी हम देखते हैं एक बड़े से पैर को जो कि एक किलर शार्क को कुचल देता है। तब वो क्रू मेंबर बोलता है कि पूरा बेस हिल रहा है, हमें मदद की जरूरत है, हम पर हमला हुआ है। और अगले ही पल हमें दिखते हैं बड़े से फ्रॉस्ट जाइंट्स जो कि अपने हथियार से उस बेस पर अटैक करने जा रहे होते हैं। चांद एसगार्ड के शैडो के नीचे है। ओडिन और फ्रेया एसगार्ड के बाकी लोगों के साथ चांद पर किसी को देख रहे होते हैं। तभी ओडिन पूछते हैं कि ये कब से ऐसे बैठा है। जिसपे फ्रेया कहती है कि हफ्तों से, हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि उसने कुछ नहीं खाया है, ना ही वो सोया है। तब ओडिन आगे पूछते हैं कि उसने कुछ कहा तुमसे। जिसपे फ्रेया बताती है कि नहीं, उसने किसी से बात नहीं करी है सिवाय हथौड़े के। तब ओडिन आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि शायद वो तुम्हें इग्नोर कर सकता है पर अपने पिता को नहीं। तब ओडिन थॉर की तरफ बढ़ के बोलते हैं कि थॉर, ओडिन तुम्हें खुद एसगार्ड पर वापस आने का आदेश देते हैं, उनको जवाब दो, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये कैसे पॉसिबल है कि एसगार्ड का राजकुमार, तूफान का देवता ओडिनसन अनवर्दी हो गया? तब हम देखते हैं थॉर को अपने हथौड़े के आगे झुके हुए। वहीं ओडिन थॉर को आवाज लगा रहे होते हैं पर थॉर अपने हथौड़े से कहता है कि प्लीज म्योनिर, प्लीज अपनी जगह से हिलो। और तभी वो म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है। वहीं पर फ्रेया ओडिन को बताती है कि ये दिन रात यही करता है। जिसपे ओडिन कहते हैं कि इस लड़के पर किसी ने जादू कर दिया है, ये काम लोकी या एंचेंट्रेस का लगता है। तब फ्रेया आगे बोलती है कि अगर यहाँ मैजिक होता तो हमारे जादूगर इसे पहचान चुके होते, मैंने खुद अमेरिका के कैप्टन से बात करी, उन्होंने मुझे यहाँ की लड़ाई के बारे में बताया कि कैसे उनके दुश्मन के पास वॉचर का ज्ञान और उसकी ताकत थी और एक पॉइंट पर हमारे बेटे को यहीं छोड़ दिया गया, पर हमें नहीं पता कि ये काम किस दुश्मन का है। जिसपे थॉर कहता है कि एक छोटी सी बात ने ये किया। तब ओडिन थॉर की तरफ देखकर उससे पूछते हैं कि कौन सी बात, वो कौन से शब्द है जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। तभी फ्रेया ओडिन से कहती है कि इस पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें थॉर को समझाना होगा। जिसपे ओडिन कहते हैं कि ये तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ही हुआ है, मैं कुछ समय दूर क्या रहा, देखो क्या हो गया। तभी वहाँ खड़े वॉरियर्स 3 ओडिन को बताते हैं कि हम सभी ने म्योनिर को उठाने की कोशिश करी लेकिन हम में से कोई उसे नहीं उठा पाया, शायद हथौड़े में ही कुछ गड़बड़ है। तभी फ्रेया ओडिन से कहती है कि इस हथौड़े पर एंचेंटमेंट आपने ही किया था तो शायद आप कुछ कर पाओ। तभी ओडिन थॉर को हथौड़े से दूर फेंकते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल, और तब वो उस हथौड़े को पकड़ के आगे बोलते हैं कि ये सब यही खत्म होगा। पर ओडिन भी म्योनिर को नहीं उठा पाते। जिसपे फ्रेया पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें भी लाड प्यार से बिगाड़ दिया। तब ओडिन अपने मैजिक को यूज करते हुए बोलते हैं कि मैं इस हैमर को पिघला के रख दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश को ना मानने की। और जब तक ओडिन म्योनिर पर अपनी पावर से अटैक कर रहे होते हैं तब फ्रेया अपने बेटे के पास जाती है और बोलती है कि शायद म्योनिर की एंचेंटमेंट बढ़ चुकी है पर वर्दीनेस जादुई हथियार से नहीं आती, उठो मेरे बेटे और इस हथौड़े को भूल जाओ, उठो और याद करो कि तुम किस तरह के हीरो थे।
पर तभी ओडिन के कौवे हगिन और मनिन वहां आते हैं, जो कि ओडिन को बताते हैं कि यूटन्स यानी फ्रॉस्ट जायंट्स मिडगार्ड पर हैं। तब ओडिन सबको बताते हैं कि मिडगार्ड पर क्या हो रहा है, जिसपे फ्रेया कहती है कि मुझे लग ही रहा था ये दिन आएगा। तब वोल्स्टैग पूछता है कि हमें क्या करना है, जिसपे ओडिन कहते हैं कि एसगार्ड पर चलो, ये हमारी लड़ाई नहीं है। पर फ्रेया कहती है कि बाइफ्रॉस्ट रेडी करो, हम लड़ने जाएंगे। तभी वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हो। तब ओडिन आगे कहते हैं कि उन्होंने अपने मालिक से ऑर्डर मांगा है, जिसपे फ्रेया कहती है कि और मैंने ऑर्डर दे दिया। तब ओडिन कहते हैं कि हम अब वापस आ चुके हैं, अब यहाँ ऑल मदर की जरूरत नहीं है। जिसपे फ्रेया कहती है कि अब जब आप वापस आ गए हो तो मेरी जरूरत और बढ़ गई है। पर तभी वो दोनों थॉर को वहां से जाते हुए देखते हैं, जिसपे फ्रेया पूछती है कि थॉर तुम कहाँ जा रहे हो। तब थॉर मुड़ता है और कहता है कि मैं हथियार घर जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं घर जाऊंगा। तब ओडिन सबसे कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे की बात सुन ली है, सब एसगार्डिया चलो। जिसपे फ्रेया कहती है कि वो एसगार्डिया नहीं जा रहा, हमें उसे रोकना चाहिए, उसने कई दिनों से आराम नहीं किया और अपने हथौड़े के बिना वो उड़ भी नहीं सकता। पर तभी ओडिन फ्रेया की बातों को बीच में काटते हुए बोलते हैं कि ऑल मदर के दिन अब पूरे हुए, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। और ऐसा कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। पर फ्रेया वहीं खड़े म्योनिर को देख रही होती है, ये बोलते हुए कि शायद वक्त आ ही गया है। दूसरी तरफ नॉर्वेन सी में फ्रॉस्ट जायंट्स रॉक्सॉन के बेस को ऑलमोस्ट तबाह कर चुके होते हैं। वहीं उनके बचे कुचे क्रू मेंबर्स एक कोने में ठंड से कांप रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि हमारे सारे डिफेंसेस डाउन पड़े हैं, कम्युनिकेशन ऑफलाइन है और जो चीजें टूटी नहीं वो जम चुकी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीजें आई कहां से हैं। पर तभी कोई उन्हें बताता है कि ये चीजें योटनहाइम के वेस्टर्न माउंटेन से आई हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सब बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि डार्क एल्स का राजा और स्वार्टलफाइम का सबसे पावरफुल जादूगर मेलिकिद द एकर्स्ड होता है, जो कि आगे कहता है कि ये लोग फ्रॉस्ट जायंट्स है, सारे रियाल्म के सबसे खतरनाक जायंट्स। ये लोग तारों को भी फ्रीज कर सकते हैं और एक पूरी आर्मी को एक पल में कुचल सकते हैं, और तुम्हारे पास कुछ है जो इन्हें चाहिए। तभी मेलिकिद उन लोगों में से एक के पास जाके पूछता है कि तो बताओ वो कहाँ है। जिसपे वो आदमी कहता है कि क्या कहाँ है, और तभी मेलिकिद उसके सर को राख कर देता है। तब वो दूसरे मेंबर के पास जाके पूछता है कि वो बात को समझ नहीं रहा था, पता नहीं अब उसे इसका पछतावा है कि नहीं, तो बताओ कहाँ है वो। पर उस मेंबर को भी ये नहीं पता होता और मेलिकिद उसका भी वही हाल करता है। तब वो तीसरे मेंबर के पास जाके उससे पूछता है कि बताओ कहाँ है वो। जिसपे वो आदमी कहता है कि वो जो भी है मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। तब मेलिकिद कहता है कि ये हुई ना बात, चलो अपना जादू दिखाओ। तब वो मेंबर अपने काम पर लग जाता है, ये बोलते हुए कि हमारी टीम को कुछ मिला तो है पर उन्होंने बताया नहीं कि वो क्या है या कहाँ है। जिसपे मेलिकिद कहता है कि मुझे क्या कहा नहीं सुनना। पर तभी उनके सामने एक फ्रॉस्ट जायंट का कटा हुआ हाथ गिरता है, जिसे देखकर मेलिकिद कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सुना है वो सच है। तब वो क्रू मेंबर कहता है कि क्या वो वही है, पर उसका हथियार कहाँ है। जिसपे मेलिकिद बताता है कि वो एक भगवान है जिसकी हाल ही में बहुत बेइज्जती हुई है। तभी बाहर खड़े फ्रॉस्ट जायंट्स थॉर को उस होम बेस के अंदर फेंक देते हैं, जिसे देखकर मेलिकिद आगे बोलता है कि या फिर अभी और बेइज्जती होना बाकी है। तब थॉर मेलिकिद को देखकर बोलता है कि मेलिकिद तुमने फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ क्या सौदा किया है। जिसपे मेलिकिद थॉर को देखकर बोलता है कि थॉर तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई, पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ मिसिंग है। और तब वो दोनों आपस में लड़ना शुरू करते हैं। तब मेलिकिद आगे बोलता है कि क्या तुम्हारी दाढ़ी अलग है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ उस डोम में पानी भरता देख वो क्रू मेंबर परेशान हो रहा होता है, और वहीं भरते पानी के बीच थॉर और मेलिकिद अपनी अपनी लड़ाई कंटिन्यू करते हैं। तब मेलिकिद आगे बोलता है कि कुछ तो अलग है यहाँ, मैं ये देख सकता हूँ पर बता नहीं पा रहा। और तभी एक बड़ा सा हाथ थॉर को पकड़ लेता है, पर थॉर अपना हथियार छोड़ के दोनों तरफ फ्रॉस्ट जायंट से लड़ना शुरू करता है। तब मेलिकिद थॉर का हथियार जान जान उठाकर बोलता है कि मैं समझ गया, तुमने अपना छोटा सा हथौड़ा खो दिया है, कितने दुख की बात है, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे हथौड़े से कितना प्यार था। तभी फ्रॉस्ट जायंट्स थॉर को पकड़ लेते हैं। तब मेलिकिद थॉर के पास आके बोलता है कि पर यहाँ अच्छी बात ये हुई कि बिना अपने बड़े भारी म्योनिर के तुम्हें अपने हाथों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी मेलिकिद थॉर का हाथ काट देता है। तब वो वहां रखी स्क्रीन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुमने वो ढूंढ लिया जो मुझे चाहिए था, अब तुम चैन से सांस लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब मेलिकिद फ्रॉस्ट जायंट्स की तरफ मुड़ के कहता है कि मैंने तुम्हारा इनाम ढूंढ लिया है, आओ मेरे साथ, अभी तुम मिडगार्ड पर बहुत सारी चीजें जमा सकते हो या उन्हें पिचका सकते हो। जिसपे फ्रॉस्ट जायंट्स पूछते हैं कि उस भगवान का क्या। तब मेलिकिद कहता है कि मैं इतना कह सकता हूँ कि अब हमें थॉर कभी नहीं दिखने वाला।
वहीं दूसरी तरफ चांद पर हम म्योनर के पास किसी की परछाई को देखते हैं जो कि कहती है कि इस दुनिया में हमेशा थॉर होना चाहिए। और तब वो म्योनर को अपनी जगह से उठाने की कोशिश करती है, तभी म्योनर के आसपास भी बिजली कड़कती है और म्योनर पर लिखे शब्दों में ही की जगह शी आ जाता है। तभी म्योनर अपनी जगह से हिल जाता है और तब हमें दिखती है द माइटी थॉर।